आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे शेर की दुनिया, जंगल का शेर जिसको सब राजा कहते हैं, जिसके आगे सारे जानवर अपना सर झुकाते हैं, सैल्यूट देते हैं उनको। लेकिन क्या कभी आपने देखा है शेर को, उसकी जिंदगी को महसूस किया है? कैसे वो शेर बना, कैसे आज वो जंगल पे राज कर पाता है? आप सोचो, सभी लोगों को, सभी जानवरों को लगता होगा, यार ये शेर की जिंदगी तो बहुत मस्त है, शान से चलता है। जब भी ये चलता है, सारे जानवर एक साइड हो जाते हैं और शेर को रास्ता देते हैं। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है दोस्तों? आप गौर से देखेंगे तो कुदरत ने सभी शाकाहारी जीव, जब वो दौड़ते हैं और शेर से ज्यादा रफ्तार में दौड़ते हैं, तो उनके शरीर से पसीना आता है, जबकि शेर के शरीर से पसीना नहीं आता है और वो सिर्फ एक बार ही दौड़ सकता है, उसके बाद वो थक जाता है। तो सोचो कितने चौकन्ने दृष्टि से शेर एक शिकार करता है। ऑल अबाउट हिज एटीट्यूड, एटीट्यूड ही है जो उसको शेर बनाती है। दोस्तों, शेर की जिंदगी जीना सभी लोग चाहते हैं, लेकिन जी नहीं पाते हैं बहुत कठिनाई से। सोचो आज हम इंसान के पास क्या है, आज हम इंसानों के पास इतनी कुव्वत है कि हम लोग आज एक साल का राशन, अगर आपने ढंग से पैसे कमा लिए हैं, तो एक साल दो साल का राशन हम अपने घर में रख सकते हैं और अपने सबसे अच्छे जीवन में हम आज जी रहे हैं। लेकिन एक शेर की जिंदगी क्या होती है, उसको हमेशा शिकार करना होता है, और जितने भी शाकाहारी जीव का वो शिकार करता है, सभी लोग उससे तेज दौड़ते हैं। उसकी सबसे खास बात यह है उसकी एटीट्यूड, उसका एकाग्रता, वो अपने शिकार के प्रति अपने इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो शिकार के प्रति, कि वो अंत में धीरे से जाता है और अपने शिकार का टारगेट करता है, और एक बार दौड़ के अपने शिकार को टारगेट करके अपनी भूख को मिटाता है। दोस्तों, हम इंसान को जो गॉड ने बनाया है, उससे भी कहीं ज्यादा बनाया है। हम सारे इंसान के पास बहुत ही अद्भुत ताकत है। हम सारे इंसान 1.25 लाख शेर के बराबर होते हैं। हम इंसान के पास तीन तरह की ताकत होती है, विनाश की ताकत, सृजन की ताकत और कुछ न करने की ताकत। दोस्तों, अपने सृजन की ताकत को पहचानिए। हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम सोचते हैं, हम इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। हम चाहें तो पूरा का पूरा जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जिसको दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, अमेजोन जंगल को नष्ट कर सकते हैं। इतनी ताकत है हमारे पास, विनाश की ताकत, सृजन की ताकत। आज हम इंसानों ने देखिए क्या से क्या बना लिया है। तो दोस्तों, हमेशा अपनी ताकत को पहचानिए। और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एज इट इज जिए और जिंदगी में संघर्ष करते हुए आप संघर्ष करते रहें और संघर्ष करने के बाद इस दुनिया से चले जाएं। दोस्तों, अपनी सृजन की ताकत को पहचानिए। आप भी शेर हो अंदर से, उस शेर को जगाओ अपने अंदर और लेके आओ अपने परिवार के लिए खुशियां, और सभी चीजें लेके आओ, जितनी भी खुशियां दुनिया में बनी है आपके लिए, सारी चीजों को, खुशियों को एकत्रित करो और अपने परिवार को, समाज को, और अपने लिए कुछ ऐसा करो, लोगों के लिए कुछ ऐसा करो कि आपके जाने के बाद भी लोग कहें वाह क्या आदमी था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दबा के इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं चैट सेक्शन में लिखें। अगले वीडियो में आपको क्या चाहिए वो आप लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।